प्योर सिल्क में सिल्वर जरी का काम है, प्योर सिल्वर जरी। और ये पूरा हैंडलूम है, आप बैग देखिए, पूरी हैंडलूम का काम है इसमें। सिल्क का नेचर है डायरेक्ट फायर नहीं होगा, जलेंगे बुतेंगे, फिर इसके बाद ये कार्वल हो जाएंगे। तो ये साड़ी जो छल्ले से पार हो जाएगी, छल्ले से पार होता है, जमावार की साड़ी इसको बोलते हैं, इसको बोलते गंगा जमुना। सिल्वर विद गोल्ड, ये देखिए एक सिल्वर की जरी है तो एक गोल्ड की जरी है। लोग इसी को लोग जानते हैं, आज भी जानते हैं कि ये आपका बनारसी साड़ी है जो चमकने वाली है, आंखों को चुभ जाए, ये चमकने वाली साड़ी है। उनको बोलते हैं कि जो साड़ी बेस्ट होता है ना, डार्क प्रूफ कट प्रूफ, तो इसलिए कुछ ऐसे भी मारते ना बिल्ली तो आपका धागा एक भी नहीं खींचेगा। अच्छा। ये दुपट्टा है रियल पर। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, अच्छे ही होंगे। तो आपको पता है कि हम लोग बनारस में हैं, तो हमने सोचा कि जो टूरिस्ट लोग आते हैं उनको ये पता नहीं होता कि जो असली प्योर सिल्क है वो साड़ी कहाँ से लें। तो आज हम आपको लेके जाएंगे एक ऐसी शॉप पे जो बनारस के चौका घाट में है, बड़ी बाजार में है, जिसका नाम है आरुषि सिल्क हाउस। यहाँ की हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाएंगे आपको, प्लस इनकी जो सारी सा कलेक्शन है, प्योर सिल्क, सिल्क कॉटन, ऑर्गेंजा, ऐसी बहुत सारी ऐसी वैरायटीज हैं जो आपने, मतलब जो प्योर जिसको बोलेंगे वो कहीं बनारस में से गदौलिया मार्केट भी है, वहां भी आपको प्योर उतना नहीं मिल पाएगा जितना हमने यहाँ एक्सप्लोर किया चौका घाट में, बड़ी बाजार में। और हमें जो बेस्ट शॉप मिली है, हम बोलेंगे कि आप लोग भी जब भी एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं बनारस में घूमने के लिए, तो आरुषि सिल्क हाउस को जरूर विजिट करें। और मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोग मतलब निराश हो गए, यहाँ से नहीं जाएंगे, जैसे हम लोग ने भी यहाँ से काफी सारी साड़ीज ली हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि आप आए और यहाँ विजिट करें। सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपको लेके जाएंगे, देन हम आपको विजिट कराएंगे इनकी शॉप का। तो प्लीज आप देखिए वीडियो। तो देखिए बनारस का जो करेंगे साड़ी थी मैम, पहले क्या था, न्यू जनरेशन को सब्सिडी मिलता था। न्यू जनरेशन जैसे आपका पावर मशीन, दिस इज पावर मशीन, न्यू जनरेशन इसमें लड़के काम कर रहे हैं। तो देखिए आप 80 ईयर से लेकर आपको 25-35 तक काम करने वाले हैं। न्यू जनरेशन, दिस इज पावर मशीन, इसमें 2-3 दिन में आपका साड़ी बिजिंग हो सकता है, 2-3 डेज में एक साड़ी बिजिंग होने में। ओके, अब देखिए डन बाई हैंड इससे बोलते हैं डाइंग आर्ट। डाइंग आर्ट होता है क्या, आपका मेमोरी टेक्निक है, इससे 60+ काम करने वाले हैं। जब मोदी जी को सब्सिडी देते हैं तो थ्रेड पे देते हैं। दिस इज हैंडलूम सिल्क, दिस इज प्योर सिल्क, दिस इज प्योर सिल्क। ये आपका कश्मीर के धागे, कश्मीर के धागे क्या होता है ना, वेदर के हिसाब से आपको चेंज करेंगे। समर में कोल्ड रखेगा तो विंटर में वार्म रखेगा, वेदर के हिसाब से आपको चेंज करेंगे। ये तो धरोहर खत्म हो गया था, वाराणसी का जो प्योर सिल्क की साड़ी थी वो खत्म हो गया था, इसलिए फिर आया मोदी जी ने, फिर इसको प्रमोट किया, इनको सब्सिडी देने लगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे चालू हो गया। वी नीड टू मेक अवर हैंडलूम ट्रेडिशन द सेंटर पीस ऑफ फैशन फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। जो 60+ है काम करने वो काम करते हैं, न्यू जनरेशन के पास इतना पेशेंस नहीं है कि इसको बना दे। एक साड़ी बनाने में आपका 45 डेज ऐसे लगता है। काम के ऊपर डिपेंड होता है कि कैसे साड़ी बना, कैसा है डिजाइन। आपका वॉल कलर की साड़ी है तो आपका 45 डेज लगेगा, और कोपाड़ा जंगड़े की साड़ी है तो आपका 45 डेज, 2-3 मंथ ऐसे ऐसे काम होता है, इसमें बहुत पेशेंस लगता है। तो आपका 100% प्योर सिल्क है। और सिल्क का देखिए नेचर होता है ना, कि आप उसको फायर करेंगे स्मेल ना का हेयर सबसे बड़ी चीज़ है। और इसका जो डाई भी होता है ना, वेजिटेबल डाई होता है, एक केमिकल डाई नहीं होता है इसमें। डन बाई हैंड है, एक सिल्वर कोटेड इसको बोलते हैं, दिस इज सिल्वर कोटेड साड़ी, और रियल जरी पे साड़ी बनते हैं, और ये सिल्वर कोटेड है। काम को डिपेंड, इसमें देखिए सिल्वर भी बनते हैं, गोल्ड भी बनते हैं, और प्रॉपर जरी भी बनते हैं, इसलिए आपको पीछे जरी ले लगते हैं। और जो पावर मशीन में उसकी आर्टिफिशियल जरी लगते हैं, लुक लाइक सिल्क होता है, पर वो प्योर नहीं होता। पावर मशीन में क्या है कि सिल्क विद कॉटन है, ब्लाइंड चलता है, मगर जो हाथ करके भी साड़ी है उसमें क्या पेशेंस लगता है, मगर हाथ करके भी साड़ी में प्योर सिल्क नहीं भी हो सकता है पावर मशीन में। ये चीज़ है, तो पावर लूम में सिल्क विद कॉटन ही भी होगा और प्योर सिल्क नहीं भी हो सकता है। देश में लोग जानने लगे कि हाथ करके की साड़ी क्या होता है, लोग पावर मशीन ही जानते हैं, 90% इसमें पावर मशीन चल रहा है, मगर हाथ करके की साड़ी अब 10% चालू हो रहा है, धीरे धीरे प्रोसेस तो लग रहा है, कैसे काम हो रहा है, इससे लेबर चार्ज बहुत कम होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, एक दिन 8 घंटा में आपका 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर ओनली डिजिंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस है तो। और पावर मशीन की जो साड़ी होते हैं ना, 2-3 डेज में आपका डिजिंग हो सकता है। एक सिल्वर कोटेड साड़ी है, इसको बोलते हैं कड़ियल वर्क, ठीक है। कड़ियल वर्क होता क्या है ना, बनारस का ट्रेडिशनल साड़ी है इसकी, इसका नाम है वाल कलम बनारस।
ठीक है मैम, कड़ियल होता क्या है, आपका साड़ी आपका 35 डेज की साड़ी है। जहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ पर लेकर नॉट बांध लेंगे, जैसे 100% प्योर सिल्क। और ये जो धागा भी हम लोग मंगवाते हैं ना, ये कश्मीर के धागे हैं। कश्मीर के धागे होते क्या ना मैम, कि समर में कोल्ड रखेगा तो विंटर में वार्म रखेगा, वेदर के हिसाब से आपको चेंज करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है इसका थिकनेस देखिए धागा का, अपने बाल से भी पतले धागे होता है। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि वाराणसी में कितने लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, लोगों को इतना ठग दिया जाता है कि 20,000 की साड़ी बेच कर उनको कहते क्या है कि 100% प्योर सिल्क है। प्योर सिल्क का जो पहचान होता है, देखिए इसको सीजर से कट करेंगे, कोई भी कहता है सिल्क है तो सीजर से इसको कट करना है। डायरेक्ट कहिए कि इसको फायर करके रखेंगे। आपको भी जनता को प्रमोट करना है, किसी को चीटिंग नहीं करना है। भाई बनारस आया है साड़ी लेने तो अच्छी चीज़ लाना है, तो उसको बताइए मिक्स है तो मिक्स उनको बेचिए, पर प्योर सिल्क करके मत बेचिए। ये देखिए आपको 100% प्योर सिल्क है। और सिल्क जब फायर होगा, सिल्क का नेचर है डायरेक्ट फायर नहीं होगा, जलेंगे बुतेंगे, फिर इसके बाद कार्बन हो जाएंगे। ये देखिए फिर इसके बाद स्मेल लाइक हेयर, मैम देखिए इसको स्मेल कीजिए, स्मेल लाइक हेयर, आप स्मेलिंग कीजिए, उसकी स्मेलिंग कीजिए, स्मेल लाइक हेयर, जैसे कार्बन हो जाएंगे। फिर इसके बाद जैसे बाल होते हैं ना चिकन की तरह, इसी तरह देखिए 100% प्योर सिल्क का पहचान होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है देखिए, हाँ कार्बन हो जाएंगे, हाँ। और ये देखिए एक पूरा नॉट नहीं बनेंगे, यहाँ पर क्या है फिर कार्बन का नई तरीके से फिर धागा स्टार्ट हो गया। देखिए ये देखिए सिल्क का देखिए ये नेचर है। फिर नेक्स्ट आता है देखिए ये आपका है, ये लुक्स लाइक सिल्क है मगर ये 100% आपको मार्क्स दिया जाता है पॉलिएस्टर, फिल द क्वालिटी में ये आपका 100% पॉलिएस्टर है। अब देखिए इसको बोलते हैं पावर मशीन, ये आपका 1 से 2 दिन में बिगिन हो जाता है साड़ी। ये देखिए हाँ ये पावर लूम है, जो इस समय न्यू जनरेशन काम कर रहे हैं, न्यू जनरेशन के पास पेशेंस नहीं है, जो ओल्ड के पास पेशेंस है ना वो न्यू जनरेशन के पास नहीं। इसको सीजर से कट किया जाता है, यहाँ पे भी जो ओल्ड लेडी भी होती है ना 60 इयर्स ओल्ड 50 इयर्स ओल्ड जो काम नहीं कर रहे हैं तो उसको सीजर से कट करके पॉलिश में हो जाता है, यही 100% प्योर सिल्क है। मगर क्या है कि चीट क्या होता है, लोग कहते हैं सिल्क सॉफ्ट है, देखिए कि सिल्क का सबको नेचर नहीं मालूम है सिल्क होता क्या है। सभी को लोग कहते हैं सिल्क यार टच है तो अच्छा है, मगर सिल्क सभी चीज़ नहीं होता है, कोई भी क्वालिटी सॉफ्ट है तो सिल्क नहीं है। देखिए इसको हम फायर करते हैं ना, ये देखिए इसको फील तो बहुत सॉफ्ट हाँ, ये वाला और इसको मार्क्स दिया जाता है 100% पॉलिएस्टर, ये पॉलिएस्टर की साड़ी है, मत बिविंग बनारस में होता है इसका, ये सूरत की साड़ी नहीं है। ये देखिए ये देखिए बनने के बाद देखिए प्लास्टिक है ना मैम पॉलिएस्टर, हाँ। तो सूरत की साड़ी इतनी सस्ती क्यों होता है, उन लोग सूरत का काम करते हैं। और हम लोग का बनारस की जो साड़ी होते हैं जिसपे मोदी जी चालू इस समय किए हैं कि भाई आप लोग हिंदुस्तान में हो तो अपना धरोहर, ये अपना बनारस का साड़ी आपका धरोहर है, ये चीज धरोहर है, तो ये चीज जिस दिन खत्म हो जाएगा ना इसी नाम से लोग जानते हैं बनारस का पान, बनारस की लस्सी और बनारस का साड़ी, तो ये सब तीन चीज बहुत फेमस है। तो ये चीज दो चीज तो बचा हुआ है, पान और लस्सी तो बचा हुआ है, मगर साड़ी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जो डाई नाट मुमरी टेक्निक साड़ी बन रहे हैं। तो मोदी जी इस चीज के लिए बहुत फोकस कर रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं बनारस में नहीं पूरे हिंदुस्तान में फोकस, जहाँ जो ट्रेडिशनल है उसको ट्रेडिशनल रहने दीजिए, वो ना खत्म हो। तो ये देखिए इसके बाद पॉलिएस्टर की साड़ी यहाँ पर नॉट बन जाएगी, देखिए मैम हाँ 100% पॉलिएस्टर है आपका, है ये भी पहचान होता है सिल्क का और कुछ पहचान नहीं है। और ये देखिए ये साड़ी जो आपको ये दिखा रहे हैं ना, ये आपको देखिए पेशेंस, ये आपके 60+ दादाजी बनाने वाले हैं, ये 60+ बनाने वाले, इसको बोलते कड़ियल बनारस डन बाय हैंड। ये आपका साड़ी बनाने में 6 मंथ लगा हुआ है, 6 महीने की साड़ी है, 6 मंथ की साड़ी है। ये देखिए पूरा कड़ियल यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना मैम, वहाँ पर लिया के नॉट बांध देंगे, ये 6 मंथ की साड़ी है। और एक दिन में ये साड़ी बीविंग करेंगे ना तो आपका 20 सेंटीमीटर, अच्छा ओनली 20 सेंटीमीटर, हाँ 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर काम को उनको वो प्रेशर नहीं कर सकते हैं कि मैम सर हमको चाहिए ये चीज़ है।
अपने कारीगर से लोग जल्दी प्रेशर नहीं करते, जहाँ प्रेशर करेंगे लोग चले जाएंगे, उतना पेशेंस बस नहीं है। अब चले गए खाना खाने के, चाहिए कोई दिक्कत नहीं, दो घंटा आराम किए, दो घंटा काम किए, मगर ये है कि आपका ये साड़ी जो बनाने में लगा है पेशेंस आपका 6 मंथ का है, कि आपका सिल्वर विद गोल्ड है आपका, इसको बोलते गंगा जमुना, सिल्वर विद गोल्ड, ये देखिए सिल्वर के जरिए तो एक गोल्ड के जरिए है, ये देखिए कड़ियल बनारस पूरा, ये जो धागा देखिए जरिए सभी काड़ के बना हुआ है, सभी इंटरलॉक है, ये देखिए ये फेकुआ वर्क है, इसको बोलते हैं पावर मशीन, ये पावर लूम है, ये देखिए ये पावर लूम है, ये पावर लूम है। देखिए मैम एक्चुअली होता क्या है ना, पावर लूम में इसको सीजर से कट किया जाता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर लिया नॉट बांध देंगे, जो हैंड लूम का पहचान है, और पावर मशीन का जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ पर नॉट बांध देंगे, और जो पावर मशीन का है वहाँ पर सीजर से इसको कट किया जाता है, एक साथ बीवी होगा तो फिर इसके बाद सीजर से इसको कट होता है, फिनिशिंग किया जाता है। अब तो मशीन भी आ गए हैं जिसका सूरत से लोग, हाँ हाँ सूरत से मशीन भी आ गए, अब सूरत की तरह साड़ी जरी कटिंग हो रहा है तो इतना प्रोडक्शन हो गया ज़्यादा बनारस की पावर लूम की साड़ी का, तो अब मशीन से ही फिनिशिंग हो रहा है। अब कितना ओल्ड लेडी करेंगी, एक साड़ी बना काटते काटते दिन भर लग जा रहा है, तो फिर इसके बाद क्या है कि मशीन से ही काम हो रहा है, ये चीज़ है। और इसका जो पॉलिश भी होता है, आज भी इसका जो पॉलिश होता है, इसका गैस सिलेंडर पॉलिश होता है, गैस पॉलिश होता है, अच्छा। हाँ, और इसका आज भी पॉलिश होता है, आज भी ट्रेडिशनल होता है, सन लाइट पॉलिश होता है, हाँ सन लाइट जो राइस का चावल का वो होता है ना माड़, उसी का पॉलिश होता है, ये चीज़ है। तो आप आज भी इसका जो डाई भी होता है ना, वेजिटेबल डाई होता है, केमिकल डाई नहीं होता इसमें, अच्छा। सभी वेजिटेबल डाई होते हैं, ये चीज़ है। ये देखिए इसको बोलते हैं जमावार साड़ी, इसको बोलते हैं जकार्ड टेक्निक साड़ी, दोनों तरफ आप देखेंगे ना मैम इंटरलॉक चलेगा, हाँ इधर भी इंटरलॉक है, ये देखिए बैक में भी इंटरलॉक है। सबसे बड़ी चीज़ साड़ी का नाम है ना, जब फॉरनर लोग आते हैं ना तो उनको फॉरनर लोग इनका नाम रखते हैं डार्क प्रूफ कैट प्रूफ, फॉरनर लोग आते हैं तो इसको बोलते हैं डार्क प्रूफ कैट प्रूफ, हाँ उन लोगों के पास डॉगी भी होते हैं कैट भी होते हैं घर में, तो उन लोग साड़ी पहनते हैं तो हम लोग उनको बोलते हैं कि जो साड़ी बेस्ट होता है ना डार्क प्रूफ कैट प्रूफ, तो इस पर कुछ ऐसे भी मारते ना बिल्ली तो आपका धागा एक भी नहीं खींचेगा, अच्छा। इसीलिए इसको बोलते हैं डार्क प्रूफ कैट प्रूफ, ये साड़ी का नाम है कैट प्रूफ। तो ये साड़ी जो छल्ले से पार होता है, जमावार की साड़ी इसको बोलते हैं। ये है बनारसी, अब देखिए जमावार की साड़ी जो है ना, ये देखिए आपका, अब इसको रिंग से पास करेंगे तो नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा ना मैम, इसमें देखिए बॉर्डर में ओनली थ्रेड वर्क चला है, इसमें जरी है, ये देखिए वर्क जो हुआ है ना जरी है, मेटल थ्रेड है आपका, इसको बोलते कॉपर जरी, ये देखिए पूरा थ्रेड वर्क है, शायद में जरी है, तो इसको हम रिंग से पास करेंगे ना तो जरी ज़्यादा मोटा हो जाएगा, इसीलिए थिकनेस हो जाएगा, तो इससे ये पास नहीं हो सकता है, ये चीज़ है। ये जमावार की साड़ी है, पहले जमावार का कानी जमावार का पश्मीना आता था, वो कश्मीर का होता था, तो हम लोग ने कहा कि यार जब जमावार के लोग पश्मीना बनाते तो हम लोग भी कॉपी किया जाए, साड़ी क्यों नहीं बना पाए, तो हम लोग साड़ी हैंडलूम का बनाना स्टार्ट किया जमावार का, जैसे खड्डी शिफॉन जॉर्जेट 100% प्योर सिल्क है आपका, सिल्क का नेचर एक अलग अलग है, टशर भी है, जॉर्जेट भी है, कतान है, तो जिसको क्या टेक्सचर में चाहिए तो हम लोग बनाते हैं। ये चीज़ देखिए खड्डी शिफॉन है, इसको बोलते हैं वाटर जरी, ये फिनिशिंग नहीं है, इसमें पॉलिश तक भी नहीं हुआ है, ये डाई होगा फिर इसके बाद पॉलिश होगा, ये चीज़ देखिए। और सबसे बड़ी चीज़ है ये जंगला की साड़ी है, पूरे ट्रेडिशनल साड़ी नहीं है, आपको पहले जो ट्रेडिशनल स्मॉल बूटा में था ये अब मॉडर्न में लोग जंगला की साड़ी इसको बना रहे हैं, अब देखिए डन बाई हैंड है आपका हैंडलूम साड़ी, देखिए ये कॉपर जरी है, ये देखिए कॉपर जरी है, ये सब लेटेस्ट चल रहा डिजाइन, समय के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहे हैं, पहले क्या था ना बनारस किस नाम से जाना जाता तो वो भी बता रहे हैं, बिहार कोलकाता में सबसे ज्यादा ये साड़ी चलता था शेटन सिल्क, मगर ये सिल्क नहीं होता था, तो होता था,
शटल की वेट देखिए इसका भी काफी वेट होता है। हाँ ये साड़ी है आपका पावर मशीन का, लोग इसी को लोग जानते आज भी जानते कि पावर की आपका बनारसी साड़ी है जो चमकने वाली आंखों को चुभ जाए, ये चमकने वाली साड़ी है, ये आपका पावर मशीन पर है। देखिए ये साड़ी हैंडलूम की साड़ी है, खड्डी शिफॉन। अब देखिए सबसे बड़ी चीज पेशेंस देखिए इसमें लगता है सर, ये देखिए इसको बोलते हैं सिगारगा, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है, वर्ल्ड फेमस है सिगारगा, इसको बोलते हैं मीनाकारी वर्क। अब पेशेंस देखिए, ये सब 70 प्लस बनाने वाले हैं, पेशेंस देखिए, ये दुपट्टा है रियल का, देखिए एलिफेंट, एलिफेंट है, पीकॉक है, और ये सब पावर मशीन पे नहीं बन सकता है। कितने भी सूरत वाले लोग साड़ी हमारा कॉपी करना चाहे तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं बनारस साड़ी को। देखिए ये सब 100% प्योर सिल्क पर है आपका, खड्डी शिफॉन जॉर्जेट मीनाकारी वर्क। ये देखिए आपका बॉर्डर मीनाकारी, सिर्फ इस सब का दुपट्टा बनाने में मैम आपका 2 मंथ 3 मंथ ऐसे से लगता है, काम को डिपेंड करता है कि कैसे काम करने वाले हैं सामने वाला, ये चीज है। अब देखिए साड़ी आपका शिगारगा में साड़ी है, शिगारगा में साड़ी है, ये दुपट्टा शिगारगा का, ये शिगारगा साड़ी है, देखिए पैसे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको वीडियो पसंद आया होगा मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। आरुषि सिल्क हाउस जरूर विजिट करिएगा जब भी आप बनारस में आपका आना होता है, एज अ टूरिस्ट, एज अ स्टूडेंट, कुछ भी, मतलब तो हम लोग IIT BHU में पढ़ाई करते हैं और मैंने ये एक्सप्लोर किया है चौका घाट में बड़ी बाजार में ये शॉप, और मुझे बड़ी पसंद आई। मैंने अभी आपने दुपट्टा देख रहे होंगे जो मैंने कैरी करके रखा है, अभी ये जो है प्योर सिल्क में सिल्वर जरी का काम है, प्योर सिल्वर जरी, और ये पूरा हैंडलूम है, आप बैग देखिए पूरी हैंडलूम का काम है इसमें, तो काफी सुंदर यहाँ पे जो है प्रोडक्ट्स हैं, साड़ीज हैं, सूट्स हैं और दुपट्टे हैं, स्टॉल्स हैं, आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं स्टॉल्स का काम है, प्लस वैरायटी ऑफ पर्सेस हैं जो ये लोग बनाते हैं खुद, और जेंट्स के लिए भी कुर्ता है और शेरवानी भी ये लोग बनाते हैं, तो काफी सारी, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल लेडीज के लिए यहाँ पे जो है कलेक्शन है, मेन कलेक्शन भी है, आप लोग आइए और एक्सप्लोर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट, हमेशा बोलती हूँ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।